स्वाधीनता के अमृत महोत्सव का ये अंतिम पड़ाव है। बड़े उत्साह और उमंग के साथ कदम ताल करते हम शताब्दी की ओर बढ़ने को तत्पर हैं। वैश्विक पटल पर नित नए आयाम तय करता हिमालय की बुलंदियों सा चमकता भारत जब अपने अतीत के क्षितिज को तकता है तो असंख्य टिमटिमाते तारों में एक अटल ध्रुव तारा अपनी तेजोमय कांति से सबको आकृष्ट करता है और वो ध्रुव तारा है मेरठ, जहां से स्वराज के संग्राम का सूत्रपात हुआ। मेरठ, स्वराज की नींव आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरठ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्रांति की पहली चिंगारी का जिक्र, प्रथम प्रामाणिक घटना जहां किसान की शहादत और किसान पुत्र द्वारा मशाल जलाकर क्रांति का आगाज करना और किसान पत्नी द्वारा फिरंगिया गीत गाना। दोआब, हड़प्पा, सिंधु घाटी के साथ त्रेता युग की महारानी मंदोदरी और द्वापर की महाभारत का जिक्र करते हुए राजा दशरथ द्वारा श्रवण कुमार की घटना पर आना। राजा दशरथ द्वारा श्रवण कुमार को हिरण के भ्रम में शब्द भेदी बाण से भेदना, श्रवण कुमार की मृत्यु, माता पिता का विलाप और दशरथ को श्राप, मेरठ का महाभारत से जुड़ाव, वास्तुकार माय द्वारा राजधानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण, पुरस्कार में मेरठ मिलना, मय राष्ट्र रचना और लाक्षाग्रह की निशानदेही, महात्मा बुद्ध का शिष्यों के साथ उपदेश देना, पुत्र वियोग में विलाप करती स्त्री को परम सत्य का संदेश, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ को तुगलक द्वारा दिल्ली ले जाना, राजा हरदत्त का दुर्ग स्थापन, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी और तैमूर द्वारा मेरठ पर बार बार हमलों का जिक्र, 1803 तक मराठा शासन के बाद ब्रिटिश राज से नए अध्याय का आरंभ, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेरठ को छावनी बनाना, तीन तीन भारतीय और अंग्रेजी रेजिमेंट बना, साथ ही अबुनाला के साथ मॉल रोड का निर्माण, बरगद के पेड़ पर 3 ग्रामवासियों के शव लगे हैं, 1857 की प्रथम क्रांति का शंखनाद, चर्बी वाले कारतूस का विरोध और चपाती व कमल का जिक्र, क्रांतिकारी फकीर का घर घर रोटी पहुंचाना, हल्ला बोल का संदेश दे मां भारती की आजादी की पहल करना, 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में पैदल सैनिकों का चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल का विरोध करना, मंगल पांडे का लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारना जिसकी सजा के तौर पे मंगल पांडे को 1857 में फांसी। नेता, साधु, फकीरों का मेरठ के सूरज कुंड आना और चर्बी वाले कारतूस के बारे में जानकारी फैलाकर क्रांति की अलख जगाना, भारतीय सैनिकों पर कार्यवाही की धमकी और फकीर को शहर छोड़ने को मजबूर करना और उसका काली पलटन मंदिर में बसना, फकीर का सैनिकों को बार बार धर्म और समाज का वास्ता देकर चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल का विरोध, कमांडर कर्नल कार्ल माइकल स्मिथ के चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल का तरीका सिखाने की बात पर हिंदू मुसलमान सैनिकों द्वारा मिलकर कुरान और गंगा जल की कसम खाना कि कारतूस छुएंगे तक नहीं, कमांडर कर्नल कार्ल माइकल स्मिथ के चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल का तरीका सिखाने की बात पर कौमी गीत गाते हुए हल्ला बोल का घोष, इंकलाबी गीत हम हैं इसके मालिक, 90 में से 85 सैनिकों का आदेश मानने से इनकार, कमांडर कर्नल कार्ल माइकल स्मिथ का कोर्ट मार्शल के तहत 85 सैनिकों के कपड़े उतरवाकर बेड़ियां कसवाकर 10 साल की सजा सुनाकर विक्टोरिया जेल भेजना। 10 मई 1857 को सैनिकों के हथियार और गोला बारूद जब्त करने की बात पर विद्रोह, परेड ग्राउंड में आमना सामना, फिर
विक्टोरिया पार्क जेल से 85 साथी सैनिकों को मुक्त करना। विक्टोरिया पार्क जेल से 85 साथी सैनिकों को मुक्त कराना और हुंकार भरते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाना। 12 मई को दिल्ली जाकर मुगल बादशाह बहादुर शाह सफर को नेतृत्व के लिए प्रेरित करना। छत्तीसगढ़ के जमींदार वीर नारायण सिंह का सोना खान में 18 अगस्त को अंग्रेजों से मुकाबला। नाना साहेब, बेगम हजरत महल, बाबू कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मणि राम तथा बरुआ और एक बार फिर प्रथम संग्राम में शहीदों की शहादत कामयाब हुई। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। सम्राट अशोक से लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज की स्थापना के 4 स्थानों में मेरठ का जिक्र। महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह की स्वामी जी से भेंट, स्वामी जी का देश जागरण का आह्वान और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इस नारे का लोकार्पण। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नारे को आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक ने जन वाक्य बनाया। स्वामी विवेकानंद का 1890 में भिक्षु रूप में मेरठ आना, टाउन हॉल की लाइब्रेरी में समय बिताना, स्वामी विवेकानंद का शिष्यों को उपदेश, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मेरठ नवाब मुस्तफा के घर आना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के 3री डिवीजन के मेजर जनरल गणपत राम नगर मेरठ के ही थे। 15 अगस्त 1957 को पंडित नेहरू ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 100वीं वर्षगांठ पर मेरठ से 6 किलोमीटर दूर पर शहीद स्मारक का शिलान्यास किया, जिस पर 85 शूरवीरों के नाम अंकित हैं। आजादी के बाद मेरठ छावनी का पुनर्गठन। फौज ने सबसे ज्यादा रेजिमेंटल सेंटर मेरठ में स्थापित किए। 1971 के युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिक आत्मसमर्पण के बाद मेरठ रखे गए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, मेजर ध्यान चंद, इनके साथ ही कई प्रमुख नामों की चर्चा जिनका मेरठ से संबंध है। 2 जनवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी को देश को समर्पित करना एवं रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। समय के निर्बाध चलते चक्र में भारत विश्व के मानचित्र पर अपनी छवि और गहरी करता चला जा रहा है। आज स्वच्छता से लेकर सुरक्षा तक भारत ने कई मानदंड स्थापित किए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था देश में मजबूत विकास और व्यापार की समग्र संभावना के साथ निर्माण के संवर्धन के लिए मेक इन इंडिया जैसे प्रयोगों की सकारात्मकता सिद्ध कर रही है। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत विदेशी डिफेंस कंपनियों ने भारत में निर्माण का न्योता स्वीकार किया और विमान वाहक पोत INS विक्रांत के रूप में परिणाम सामने आया। कहते हैं कामयाबी की उड़ान हौसलों की जुबान होती है, इमारत की बुलंदी नींव के पत्थर से बयां होती है। भारत एक सशक्त नेतृत्व का आगामी बन कब सफलता के लंबे डग भरता हुआ स्वयं को वैश्विक धरातल पर चिन्हित करता चला गया पता ही नहीं चला। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं यहां तू किसी भी चुनौती से, डरना नहीं यहां तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का।